हेलो गाइस। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने मेरी वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कोई टेक टिप्स से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैचेस के बारे में। जैसे कि आप सभी आईपीएल के फ़ैन होंगे और कल से आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा यार कुछ इन्फॉर्मेशन आईपीएल के बारे में आपको शेयर कर दूँ। जैसे कि आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के मैचेस कहाँ कहाँ पर खेले जा रहे हैं, कितनी टीम है, प्लेयर किस किस टीम के कौन कौन से कप्तान है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टैकलिंग दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं मिस्टर टैग ड्यूड। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि टाटा आईपीएल 2023 31 मार्च यानी कि कल शाम 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका जो पहला मैच देखा जाएगा वो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इसी तरीके से भारत के 12 अलग अलग जगहों पर सभी मैचेस देखे जाएंगे। बात करते हैं इन जगहों के बारे में। तो गाइस, जैसे कि ये मैचेस खेले जाएंगे अहमदाबाद, धर्मशाला, मोहाली, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। इसी तरीके से भारत के अलग अलग 12 जगहों पे ये मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। या तो आप इनको जाकर के विजिट कर सकते हैं, मतलब जाकर के लाइव देख सकते हैं, या आप टीवी या फ़ोन पर भी घर बैठे लाइव देख सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं आप टीवी पर कैसे देख सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि अगर आप टीवी पर इसको लाइव देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, स्टार स्पोर्ट्स के सभी चैनल्स पर ये लाइव देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, 3 या HD, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। और अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं, अगर आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं जियो सिनेमा पर आप लाइव देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो भी हर ऑपरेटर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, जैसे कि अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मेट जो है बिल्कुल भी चेंज हुआ है, पिछले साल की तरह ही इसका फॉर्मेट है। जैसे कि 70 मैचेस प्रीमियर लीग के दौरान खेले जाएंगे और टोटल 74 मैचेस महामुकाबले देखे जाएंगे। तो बात करते हैं इसकी टीम के बारे में। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर जो है टोटल 10 टीम्स मैचेस खेलेंगे। अब ये कौन कौन सी टीम है और इनके कौन कौन से कप्तान है, आइए बात करते हैं। जैसे कि पहला जो है चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसके कप्तान है MS धोनी। अब दूसरा जो है दिल्ली कैपिटल्स है, जिसके कप्तान है डेविड वॉर्नर, और जिसको लीड करेंगे ऋषभ पंत, मतलब ऋषभ पंत की उपस्थिति में डेविड वॉर्नर इसको लीड करेंगे। अब जो तीसरा है गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। अब जो चौथा है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके कप्तान है रितेश राणा, जो लीड करेंगे श्रियास लेयर की उपस्थिति में, मतलब कि श्रियास लेयर जो है वो जख्मी है, उनको चोट वोट लगी है, इस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान है वो है रितेश राणा। अब जो पांचवा है लखनऊ सुपर किंग्स है, जिसके कप्तान है KL राहुल। अब जो छठा है वो है मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा। अब सातवा है पंजाब किंग्स, जिसके कप्तान है शिखर धवन। अब जो आठवां है राजस्थान रॉयल, जिसके कप्तान है संजू सैमसन। नौवा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके कप्तान है फाफ डू प्लेसिस। अब जो दसवां है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसके कप्तान है एडियन मार्क्राम। तो इस तरीके से हमारी टोटल टीम 10 है और इनके कप्तान इस तरीके से हैं। तो आइए बात करते हैं इनके शेड्यूल के बारे में, मतलब किस किस के तरह से मैच खेले जाएंगे, कहां कहां पर किस टाइम पर मैच खेले जाएंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाता हूँ जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि ये इस तरीके से चार्ट आप इस पर देख पा रहे होंगे, कौन सी टीम किस टाइम पर किस तारीख को कहाँ पर मैच खेलेगी, इसमें पूरी तरीके से फुल डिटेल में आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के मैंने इसको PDF में पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर के इसको चेक कर सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से ये चार्ट था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।